हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलांग जन्ना से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। भगवान करे आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए, सारी विशेष पूरी हो, जो जो भी मन में जैसा सोचे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, और आपके ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव आता रहे वो माँ बगलामुखी करे, मेरे मस्तान बाबा करे, मेरी मेरेड़ी माँ करे, वो सारी चीज़ें दूर हो जाए ऐसे। और जो आप लोगों के लिए बुरा सोचते हैं उनको डिवाइन, उनको भगवान उसकी पूरी पूरी सज़ा दे, सजा दे ही रहा है, ठीक है। चलिए, कल है अमावस्या, मार्गशीर्ष की अमावस्या है, उसके बाद परसों से खरवास लग जाएगा। फिर कहते हैं एक महीने का कोई पूजा इतना खास रहता नहीं है, समझे। तो जिन जिन नाथ की पूजा तो हमेशा रहती है, लेकिन अमावस्या के दिन जो होता है मारण मोहन वशीकरण या किसी को पागल बनाना, बखियो भी होता है। और कल के दिन तो बहुत बड़ी पूजा होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी 7 दिनों से तैयारी करके रखी है, कंटिन्यू पूजा करते आए हैं, और अभी कल की कहते हैं ना फाइनल मैच जैसा है। तो कल के दिन में अभी भी जैसे कितने लोग चाहते हैं कि हमें कोई शक्तियां सिद्ध करके दे। अभी एक मेरे को एक बात बतानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं शक्तियां प्रतिक्षेपण होते हैं, मतलब के सामने से बैठ के बात करती है क्या, कान में आके बोलती है क्या। देखिए, ये सारी झूठी अफवाहें हैं। शक्तियाँ आपके सामने आती हैं किसी न किसी रूप में। जैसे अभी मैं इतने बड़े रूम में अकेले हूँ, आज करीबन 1 महीने से मैं सिर्फ पूजा पाठ कर रही हूँ, लेकिन मुझे अकेला महसूस नहीं होता। मेरे आसपास मुझे शक्तियाँ महसूस होती हैं, वो मुझे आभास करवाती हैं, मुझे किसी न किसी रूप में बोलती, किसी न किसी चीज़ में वो हमें आके बताती हैं। मन की आवाज़ से वो चीज़ें बताती है, ये गलत है, ये सही है, ये आदमी आपके लिए गलत कर रहा है, वो बताती हैं। और जहाँ तक प्रस्तुति मतलब सामने से दिखना होता है, वो सिर्फ दिवाली होली की रात को रहती है। अगर आप आज भी जैसे शक्ति लेते हो, तो शक्तियों को एक्टिव होने में पूरी तरह से आपकी तरह से आपके साथ पूरी दोस्ती होने पे, जैसे कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा आता है, पैदा होता है घर में, उसको आपको पहचानने में कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं, पता है ना। वैसे शक्तियाँ आपको एक्टिव हो के पूरी तरह से जब आपको उसको देखना है, तो होली की रात को देखने तक के लिए पहले आपकी उसकी दोस्ती होनी अच्छी है। और सबसे बड़ा ट्रस्ट, अगर आप में ट्रस्ट है कि आपके साथ शक्ति है और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो समझ लीजिए चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, अगर हमें लगता है कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिए। क्योंकि हमें अपने शक्तियों पे और अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि अगर ये है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाख कोशिश करने दो, उनकी कोशिश से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन अगर हमने ऐसा सोच लिया तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। अपने दिमाग से ऐसे लोगों को निकाल के फ्लश कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो अपने साथ अगर गलत करेंगे, तो इनके साथ जो करेंगे वो सामने से भगवान करेगा। अभी जैसे कि मैंने बताया था ना, कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया था, तो आपने परसों भी देखा था कि मैंने बाघ जाली पे फोटो को किया है, क्योंकि वहाँ का काम तो वहीं आता है, पुतला नींबू के जरिए हमने उनके बाघ जाली पे डाला है, तो वो चीज़ें उनको सज़ा मिलने वाली है। लेकिन अभी कल अमावस्या है, कल भी ये होगा। अभी वहाँ पे जितने लोगों का हमने काम लिया है, जितने लोगों का, और जो लोग अभी हमें काम देंगे, जैसे अभी किसी दुश्मन का काम देंगे, तो उनकी भी फ़ोटोज़ वहाँ पे भेज के बकायदा बाघ जाली पे लगवाई जाएगी, जिससे ये होगा कि सामने वाला आप जैसा चाहते हो सामने वाला पागल हो जाए वो हो जाए, यहाँ से तो पूजा होगी होगी। तो आज की तारीख में अगर कोई भी मारण मोहन वशीकरण या किसी को पागल करना है, किसी को बिस्तर पे सुलाना है, किसी को खून की उल्टियाँ करानी है, किसी की हालत ख़राब करनी है, तो आज भी अगर ये काम देंगे तो गारंटी है 24 घंटे के अंदर काम पूरा होगा। कल अमावस्या के दिन पूजा होगी, अमावस्या के दिन पूजा होते ही परसों आपको रिजल्ट आ जाएगा। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको मिस ना करें तो अच्छा। और बहुत सारे लोगों ने बोला हमें शक्तियाँ चाहिए, भी कल भी मुझे 2-3 जन ने बोला क्या शक्तियाँ होती हैं, तो शक्तियाँ होती है तभी तो मैं इतने बड़े बड़े काम कर लेती हूँ ना। अभी मेरे पास तो मेरी शक्तियाँ ही हैं, और मुझे अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा कि वो है, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और ना कोई आज तक कुछ बिगाड़ पाया। मैंने ये तो देखा है कि जो भी लोगों ने मेरा बिगाड़ने को देखा, आज वो बुरी मौत मर रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई जो भी सिखाई है, लेकिन उन्होंने नेगेटिव चीज़ अपने पास पा ली है ना, और उसकी वजह से अब ये हो रहा है कि वो पागल हो रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कितने लोग ऐसे हैं जो पागलों के जैसे मेरे और मेरे परिवार की फ़ोटोज़ अपने मोबाइल में रखे हैं, और शायद उनके फैमिली को पता भी नहीं है कि उनकी फैमिली जो हमसे सॉरी बोलती है, जो आज की तारीख में बहुत अच्छे इंसान है, बस भगवान ने उनको हद से ज़्यादा डबल एक्सल बना दिया है। मैं उनको एक बात बताऊंगी कि हो सके तो अपने घर में जरा मोबाइल चेक करो, अपने जिसका भी है, उसमें आपको हमारे पूरे परिवार की फ़ोटो दिखाई देगी, और वो इंसान दिन भर में कम से कम 50 बार, जितनी बार भी उसको टाइम मिले, वो हमारी फ़ोटोज़ को ही देखता रहता है। ऐसी बात है, मतलब इंसान अपने में ही पागल हो चुका है, हमें पागल करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन मुझे जहाँ तक डर है कि ये पागलपंती कहीं इतनी हद तक ना फैल जाए कि वो पागलपंती में इंसान अपना घर बार छोड़ के कहीं हमारे घर के बाहर चक्कर लगाना ना चालू कर दे कि बस हमको यही रहना है, हमको इन्हीं के साथ रहना है। क्योंकि कैसे ना, हमारे हमारे यहाँ सबको खाने पीने की इतनी गंदी आदत हो चुकी रहती है, अच्छे से रहने की आदत हो चुकी रहती है कि फिर उन्हें कहते ना वो ज़िंदगी रास नहीं आती। तो जाने दो, वो काम तो हमने किया है, लेकिन एक हिंट मैं दे रही हूँ कि आप जरा देखो, जरा मोबाइल देखो, और मोबाइल को हो सके तो आप खुद ही पता चल जाएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद सामने वाले चीज़ें सामने वाले लोग डिलीट कर दें, लेकिन क्या करें, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे है ही। तो अगर आपने मोबाइल पे से फोटोज़ भी डिलीट कर दी तो क्या है, मेरे यूट्यूब पे है ना मेरी फैमिली की वीडियोज़ बनती रहती है। तो इंसान उसी तरह से वो करेगा, मतलब इंसान इस वक्त पूरी तरह से पागल हो चुका है, और उसको और पागल करने के लिए मैंने प्रक्रिया चालू की है। अब मैंने ऐसा कुछ काम किया है कि सामने वाला पागल हो के खुद ब खुद नंगा हो के नाचेगा खुद ब खुद नंगा हो के नाचेगा। क्योंकि कैसा है ना, एक आदमी को एक जब सर पे दीवानगी छाती ना, तो वो इंसान कुछ भी करने को तैयार रहता है। फिर उसको घर बार कोई नहीं चाहिए रहता है, पति बच्चे किसी से मतलब नहीं रहता है, बस बस मुझे मेरी दुनिया चाहिए ऐसी। और उसी वही गलती करने के बाद वो इंसान मार खाने की नौबत आएगा, ऐसी बात होती है। तो इस तरह का पागलपन करना हमें बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि ये पागलपंती की शुरुआत हमने खुद तो यहाँ की है, लेकिन मस्तान बाबा के इधर, मेरे सैलानी बाबा के इधर बाघ जाली में उन लोगों के नाम के ताले बांध दिए गए हैं, और तालों के साथ साथ उनके फोटो के साथ उनकी चीज़ें बांध दी गई हैं कि ये लोग अब खुद अपना पागलपंती पूरी दुनिया के सामने लाए। ऐसा देखेंगे कितना दिन शांत बैठते हैं, और कल का दिन तो ख़त्म है ना, कल के दिन तो जो होना है वो बहुत बड़ा है। तो ये मैं कहूँगी, क्योंकि अगर किसी को लकवा मारना है, कुछ भी काम है तो कर सकते हो। दूसरा, शक्तियाँ लोगों को सिद्ध करके चाहिए। देखिए, शक्तियाँ आपका सब काम करती है, बस उनको उस तरह का उनका खाना पानी देना पड़ता है। खाना पानी में क्या रहता है, अगरबत्ती रहती है, सिगरेट रहती है, इत्र की बॉटल रहती है, ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता है डेली का। उन्हें कोई आपको खाना नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, बस उनको इग्नोर नहीं करना है। और उसके बाद आप उनको जो भी काम देंगे ना, मेरे पास आज की तारीख में मुखबिर जिन हैं, उस्ताद जिन हैं, इब्राहिम जिन हैं, फिर सुल्तान जिन तो सबसे पावर में है, जो कम बजट का बता रही, ये सारे जिन्नात हैं। और जो सुल्तान जिन हैं, ये तो आपने देखा है, ये सबसे लोग इतने पावर में हैं कि आपको सच बोलूँ ना, ये आपका काम दिनों और महीनों में नहीं करेंगे, कुछ ही घंटों में आपका काम करके दिखाएंगे। अगर आप चाहोगे कि कुछ ही घंटों में मेरा प्यार मुझे फ़ोन करे, या आप चाहोगे कि कुछ ही घंटों में यह आदमी मुझे सॉरी बोले, या चाहोगे कि कुछ ही घंटों में यह आदमी पागल हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये काम वो तुरंत करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको शक्तियाँ सिद्ध करा के लेने पड़ेंगे। मेरे को लोग तरीका पूछते हैं, मैं नहीं बता सकती भाई, दो चार लोगों को तरीका बताया, उन लोगों ने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों को शक्तियाँ देती हूँ, शक्तियों से आप उनका काम करवा सकते हैं। उसके लिए भी आपको मेरे नाम की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी शक्तियों को आपको कुछ काम देना है तो आप मेरा नाम लीजिए उसके सामने, तब वो आपका काम करेंगे। और सिर्फ कुछ ही 72 घंटा नहीं, 24 घंटा नहीं, कुछ ही घंटों में, जैसे अगर आपको समझो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको 1-2 लाख की भी ज़रूरत है ना, तो वो 100% करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, क्योंकि सबसे पहले शक्तियों से पैसे का आवक खुलवाया कीजिए, क्योंकि बाकी सब बाद में। शक्तियों से डेली को आपको सुबह में एक जब आप शक्तियाँ मुझसे सिद्ध करा के लेंगे तो मैं एक तरीका बताऊंगी जिससे कि आप डेली शक्तियों से अपने लिए पैसे मंगवा सकते हैं। कहीं ना कहीं से वो रास्ता खुलेगा और कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ें आएंगी। वो काम पहले किया कीजिए, शक्तियों को उस काम के लिए ज़्यादा करके रखा कीजिए, फालतू कामों के लिए नहीं, तो अच्छा होता है। और दूसरी बात, आज भी अगर आप मुझसे शक्तियाँ सिद्ध करवाते हैं तो भी आपको मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि परसों सुबह आपको शक्तियों का मंत्र, सेफ्टी, सब कुछ मिल जाएगी, और शक्तियाँ परसों से आपका काम करना शुरू कर देगा। आपको सिर्फ ये करना है। और एक और बात, पहले बहुत सारे लोग बोलते हैं माता जी अगर हम आपके यहाँ पे आके मिले, मैंने 50 वीडियो में कहा है और इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो देखो, मैं घर पे रहती नहीं, मैं जुम्मा एक या दो दिन अपने घर रहती हूँ, मैं यात्रा पे ही जाती हूँ, क्योंकि यात्रा पे जाने पे हमको अकेले जगह मिलता है, सुनसान जगह मिलता है, तो हमें पढ़ाई करने मिलता है, तो हम अकेले अकेले घूमना पसंद करते हैं। ऐसे भी हमें भीड़ भाड़ पसंद नहीं रहती है, हम अघोरियों को अब ऐसी आदत हो चुकी, भीड़ भाड़ में रहने पे हम लोग को इरिटेशन होने लगता है, घुटन होने लगती है, तो हम बाहर ही बाहर रहते हैं। इसके लिए आप लोग अगर बोलेंगे तो भी मैं मिलूंगी नहीं, क्योंकि मैं अपने घर पे बाबागिरी नहीं करती, क्योंकि मेरा परिवार एक अलग है और मेरा पूजा पाठ एक अलग है। मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, ऑनलाइन पे आपको भरोसा है, काम करवाइए, आपका काम नहीं हुआ तो आपके पैसे वापस, ये गारंटी है। लेकिन अगर उसमें आप सवाल जवाब करेंगे तो ये क्या होता है उनमें, नाचना है आंगन टेढ़ा। ये बहुत सारे लोग नाचना है आंगन टेढ़ा करते हैं, इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ।
कि आपको जो भी शक्ति चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम फोटो एड्रेस भेजें, खर्चा भेजें, आपका काम हो जाएगा, नहीं हुआ तो आपके पैसे वापस, ये बात है। दूसरी बात, जो भी लोग सवाल जवाब करते हैं बहुत ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, क्योंकि क्या होता है मानिए, मैंने पहले ही कहा है मैं यहाँ से कुछ नहीं करूँगी लेकिन मेरी शक्तियाँ आपके लिए ज़रूर कुछ करेंगे। हाँ, कुछ पंडित तांत्रिक मुझे कोशिश करते हैं मुझसे भिड़ने की और मेरी परीक्षा लेने की, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप मुझसे बात करते हैं और जब आप मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं, आप ये बात याद रखिए कि आपकी सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाती हैं, फिर आपका दिल दिमाग ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर रहता है कि विद्या देवी क्या कर रही है, विद्या देवी क्या कर रही है, ये बात है। क्योंकि आपने शक्तियों को सिद्ध करने के लिए क्या किया मुझे नहीं पता, मेरी शक्तियों को जिस तरह से मैंने सिद्ध किया उस शक्तियों की गारंटी में मैं कह रही हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो ग्राउंड मैंने पैक करती हूँ, क्या होता है, बंदिश करती हूँ, उस बंदिश के अंदर किसी भी माई के लाल के आने की नौबत नहीं आती है, ये बात तो पक्की है, ऐसी बात है। अच्छा, एक बात और मैं बोलूँगी, अभी हम राजस्थान में नाथद्वारा में आए हैं, यहाँ पे हमारे एक सी पी जोशी जी बेचारे थोड़ा सा उनका मतलब थोड़े से वोटों से वो हार गए, लेकिन उन तक मैं मैसेज पहुँचाऊँगी नाथद्वारा में कि यहाँ पे दो तीन जने आपके ही कांग्रेस के कॉरपोरेटर हैं और एक आदमी और है जिसका नाम कहते हैं ना, वो लोग जानबूझ के मतलब आपका नाम खराब करने को देख रहे हैं, जो कि मैंने उन्हें कहा है लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन ये बात है कि आपका नाम खराब करने को देख रहे हैं कि आपने किसी से 3 करोड़ रुपया लेके जानबूझ के आप हारे हो, ऐसी बातें फैला रहे हैं, और ये लोग कैसे यहाँ के हैं भी नहीं लेकिन आपका नाम खराब करने को देख रहे हैं। ये बात मुझे भी जस्ट थोड़े दिन पहले ही पता चली, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि जो लोग भी, आप खुद ध्यान रखिए कि इस तरह से आपका नाम खराब करने को देखा जा रहा है। और दूसरी बात, अभी किसी को कुछ नहीं मिला तो लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, तो लोकसभा के इलेक्शन में सब कोशिश कर रहे हैं, अब कांग्रेस वालों को यहाँ पैसा मिला वहाँ पैसा मिला, ठीक है ना, पैसा तो रखेंगे ही ना, सबके पास पैसे मिलते हैं, हर पार्टी के पास पैसा होता है, सब जगह पे रेड मारो सब जगह पे मिलेगा। और अभी तो पढ़ने ही वाली है, मैंने क्या कहा आपको कि मेरा दांव मुझ पे मत आजमाओ, मैंने जो काम शुरू किया है डेली का, अभी तो मैं काड़ूबाई जाने वाली हूँ, और काड़ूबाई जाके मैं जब जाऊँगी तो हर मंगलवार जब तक रहूँगी, मंगलवार अब तक मैं अपने बच्चे के लिए घुटने के बल चल रही थी, तो माता रानी ने क्या सोचा है मुझे पता नहीं, अब तो मेरा शरीर सही हो रहा है क्योंकि जो भी है उनकी नज़र, लेकिन मुझे पता है मेरी बात सुनेंगी, लेकिन ये हो सकता है कि अब मैं अपने 2024 में मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो और कांग्रेस में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बन गए, उसके लिए विद्या देवी काड़ूबाई की सीढ़ियाँ घुटने के बल चढ़ेंगी, तो देखते हैं किसकी जीत होती है। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं हर तरह का काल दान भेद सब यूज़ करूँगी, लेकिन चीज़ें तो वही करूँगी जो मैं अपना 100% दूंगी कि ये चीज़ें हों, और वो होगी, क्योंकि हमारे तालों के काम में बहुत पावर है। अभी आप लोग जो भी काम मुझे देते हो ना, हम तालों के काम से ही करेंगे और 24 घंटे में रिजल्ट लाएंगे। एक ताले का काम अगर समझो बहुत सालों से कोई आदमी आपको चला गया है, घूम गया है, उसका आता पता नहीं है, आप एक बार ताले का काम करा के देखिए, 7 दिन का ताले का काम होता है, 8वें दिन और वो बंदा वापस नहीं आएगा, वो गुजर गया होगा तो अलग बात है, और अगर मरा नहीं होगा जिंदा होगा तो आपके पास आपके घर पे आएगा, ये मेरी गारंटी है। और बाकी कुछ लोगों को बेस्ट ऑफ लक, तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए कल के लिए तैयार हो, जिस तरह से तुम लोग ने लोगों की खुशियां छीनी है ना, तुम्हारी भी खुशियां छीनने का टाइम आ चुका है। कल के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रहेगी। और याद है ना, 20 जनवरी को, क्योंकि 5वां साल लगने वाला है, जिंदगी के 5वें साल लगने वाले, और 5वें साल लगते ही किसी के घर में किसी जवान बेटे की मौत होने वाली है 20 जनवरी। मैं अभी से बता रही हूँ, तो अभी 5वें साल लगने की खुशी मनानी है कि गम मनाना है, ये आप देखो, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि जैसे ही 5वां साल लगेगा वैसे ही, ये बात पक्की है कि जैसे ही 5वां साल लगेगा वैसे ही 1 महीने के अंदर सामने वाले की कार एक्सीडेंट में कैसे भी मौत हो जाएगी। ये विधि का विधान है, और ये विधि का विधान तुम्हारे पापों की करने की वजह से लगा हुआ है। तो विद्या देवी को सब झूठा कहते हैं ना, तो 20 जनवरी को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें हमने तो कुछ किया नहीं है, ये तो नियति का खेल है, और नियति का खेल जो है वो तो होके रहेगा। वेट एंड वॉच क्या होता है देखो।